वेलकम बैक अगेन अनदर वीडियो ऑफ ग्रो विद मनी। आज हम बात करेंगे एक दो नहीं बल्कि पूरे पांच स्टॉक्स की, जिनके डाउन ट्रेंड में क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो एक एक करके देखते हैं वो स्टॉक कौन से हैं। तो ये हमारा आज का पहला स्टॉक मदरसन सुम्मी, देखिए जिसमें ब्रेक डाउन आया है 122 रुपये के आसपास। इसने कुछ दिनों पहले सपोर्ट लिया था इस लेवल पे, ये जो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी फिलहाल लगातार दो तीन दिन से, ये डेली चार्ट है मदरसन सुम्मी का, लगातार दो तीन दिन से इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो इसमें एक डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो चुका है, साथ में RSI पे भी 40 के नीचे चल रहा है। तो इस मदरसन सुम्मी को सेल करके चल सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस होगा ये जो लेवल है, ये जहाँ पर गैप डाउन हुआ था उसके बाद ऊपर के लेवल 135 रुपये के लगभग, ये 134-135 पे इसका स्टॉप लॉस रखना होगा। तथा इसके अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो इसके जो नीचे के टारगेट निकल के आ रहे हैं बहुत बड़े आएंगे, लगभग स्टॉक 100 रुपये के नीचे भी जा सकता है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये लेवल, जो जून 2020 के लेवल थे उन लेवलों तक स्टॉक में कहीं भी सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है, और यहाँ तक इसके टारगेट निकल के आ सकते हैं जो कि 92-93 के आसपास हैं। तो अभी मदरसन सुम्मी अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट करें, और स्टॉक ये 100 रुपये के नीचे भी जा सकता है। तो 92-93 के टारगेट के लिए इसमें एक सेल पोजीशन ली जा सकती है करंट लेवल से। अगर इसमें कोई इंडिकेटर ऐड करके देखें, मान लो सुपर ट्रेंड, ट्रेंड इंडिकेटर अगर डाल के देखते हैं हम, तो ट्रेंड इंडिकेटर ने भी कन्फर्म किया, एक काफ़ी दिनों से ये देखो सीधी लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन को ऊपर क्रॉस करने में स्टॉक नाकाम रहा। तो इसको हेल्ड ब्रेकआउट बोलते हैं, और इसके नीचे भी लगभग अभी ट्रेंड इसका नेगेटिव ही दर्ज कर रहा है। यहाँ से 225 रुपये से लेकर जब इसका ट्रेंड नेगेटिव हुआ, 200 रुपये के लेवल इसने ब्रेक किए, तब से लगातार इसका ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है कंटिन्यू। तो पहला स्टॉक है मदरसन सुम्मी, जिसमें ब्रेकडाउन कन्फर्म हुआ है। चलिए देखते हैं दूसरा स्टॉक, वो है अमर राजा बैटरी, AMER। देखिए अमर राजा बैटरी का चार्ट ये डेली चार्ट है, देख के ही समझ में आ रहा है कि स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, और निफ्टी की किसी भी रैली में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नीचे देखिए ट्रेंड इंडिकेटर इसका दिखाई रहा है कि ट्रेंड इसका नेगेटिव है ही, देखिए ये इसका ट्रेंड इंडिकेटर डाला हुआ है, जिसमें ऊपर चार्ट के ऊपर रेड कलर की लाइन आ रही है, ट्रेंड इंडिकेटर नेगेटिव दिखाई रहा है। दूसरा RSI पे भी देखिए कंटिन्यूस ये 40 के नीचे ऊपर हो रहा है, वो कभी भी 60 के ऊपर जाने की कोशिश नहीं की है, 40 के नीचे ही है। अभी और ब्रेक डाउन आया है फर्दर, तो स्टॉक इसमें भी बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, और अगर पोजिशन ले सकते हैं तो किसी भी उछाल में इसमें सेल पोजिशन ले सकते हैं, जिसका टारगेट निकल के आएगा 450 रुपये, 440 से 450 के टारगेट के लिए अमर राजा बैटरी में भी एक सेल पोजीशन ली जा सकती है, और 560 रुपये का स्टॉप लॉस ये लेवल जो दिखाई दे रहे हैं 530 से 540 रुपये, ये यहाँ पे मैं ये थोड़ा चार्ट बड़ा करके दिखाता हूँ, अगर इसके ऊपर लगातार एक दो दिन क्लोजिंग दे दे तो पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे, और इसका एक ट्रेंड रिवर्सल होने लगेगा। तो 540 के स्टॉप लॉस से अमर राजा बैटरी में भी सेल करके चल सकते हैं, जिसका टारगेट निकल के आएगा 440 से 450 रुपये। देखिए तीसरा स्टॉक देखें, RECL। देखिए ये इसका भी वही हाल है, सभी की तरह इसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है, ट्रेंड भी नेगेटिव हो चुका है, RSI पे भी नेगेटिव है, और लगातार अपनी जो स्तर थे इसके सपोर्ट लेवल थे उनको ब्रेक करके स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। तो RECL में भी सेल करके चल सकते हैं, इसका टारगेट भी 100 रुपये के नीचे रखे हैं, लगभग 97 और 98 रुपये के आसपास में कहीं इसमें एक गिरावट रुकना चाहिए, और इसका स्टॉप लॉस आएगा 128, यानी कि
₹128 के स्टॉप लॉस से ₹10 का स्टॉप लॉस और ₹20 का टारगेट, इसमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना सेट कर लें, जिससे कि 97-98 के टारगेट के लिए RECL में भी सेल करके चल सकते हैं। देखिए, हमने इससे पहले भी कई सारे इस महीने में जितने भी वीडियोस थे हमारे, ज़्यादातर चार्ट्स में ब्रेकडाउन के सिग्नल थे और हम लगातार एक महीने से बता रहे थे कि चार्ट पे ब्रेकडाउन आ रहा है, चाहे वो निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो हमने ट्रिपल बॉटम पे वीडियो, ट्रिपल टॉप निफ्टी में जब बना था उस वक्त भी हमने बताया था कि एक तेज गिरावट आने वाली है मार्केट में। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और कई सारे स्टॉक्स इससे पहले की प्रीवियस वीडियो देखे, हमने उनमें डाउन ट्रेंड कन्फर्म किया था कि चार्ट पे डाउन ट्रेंड है, तो बाइंग को अवॉइड करना था और अगर पोजीशन बनानी थी तो सेल साइड पे ही बनानी थी। अब देखते हैं चौथा स्टॉक कौन सा है आज का। IRCTC में भी ये देखिए IRCTC का डेली चार्ट, जब इसने हाई लगाया था ₹1166 का, तब से लगातार स्टॉक कंटिन्यूस एक बड़ी गिरावट दर्ज हुई यहाँ पर। उसके बाद ये जो लेवल है, इसी लेवल की में स्टॉक ने इतना समय बिताया है, काफ़ी टाइम से ये देखिए इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ये इसकी रेंज थी ऊपर की साइड में ₹950 के लगभग, बल्कि देखा जाए तो ₹915-20 और नीचे में ये जो दिखाई दे रही है ₹700। लेकिन 700-900 की 200 के बीच में स्टॉक काफ़ी दिनों तक चलता रहा, लगभग एक साल का समय इसने इस बीच में गुजारा है। और लेकिन जब कंफर्मेशन हुआ इस बॉक्स के बाहर की तरफ तो वो नीचे की तरफ हुआ है, तो ₹700 के लेवल ब्रेक करते ही स्टॉक कमज़ोर हो गया है और अभी स्टॉक में फर्दर गिरावट देखने को और मिल सकती है। और इसमें लगभग ₹550 के टारगेट अभी विजिबल हो रहे हैं, तो 500-550 के टारगेट के आसपास IRCTC जा सकता है। अगर स्टॉक को बाय करना है तो इन लेवलों के आसपास देखें, 500-550 के आसपास में IRCTC में बाय करें, तब तक स्टॉक इसे अवॉइड करें या फिर सेल साइड में अपनी पोजीशन रखें। तो ये था हमारा चौथा स्टॉक IRCTC, जिसमें सेल की पोजीशन बनाई जा सकती है। अब देखते हैं लास्ट स्टॉक कौन सा है हमारा आज का, वो है CAMS, CAMS। इस स्टॉक में भी पिछले कुछ दिनों देखिए चार्ट को अगर बड़ा करके देखें तो यहाँ से एक बड़ी तेजी बनी थी। कंटिन्यूस लगा स्टॉक हाई पे हाई बनाते जा रहा था और सभी लेवल पर ब्रेकआउट दे रहा था, लेकिन जब यहाँ से एक ये बड़ी गिरावट दर्ज हुई, तो जब भी इस तरह की गिरावट दर्ज होती है जिसमें एक शार्प फॉल आता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि स्टॉक में अब एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। और तब से ही ये देखिए इसका डाउन ट्रेंड ये दिखा रहा है ट्रेंड कि इसका नेगेटिव हो चुका है, तो स्टॉक का ट्रेंड भी नेगेटिव हो चुका है और RSI पर भी कंफर्म हो चुका है कि ये स्टॉक गिरने के लिए अब तैयार है। तो कैंप्स में भी सेल करके चल सकते हैं, हालांकि अगर स्टॉक होगा तो ही सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये कैश मार्केट का स्टॉक है इसलिए इसको शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बाइंग की सोच रहे हैं तो इसको अवॉइड करें, और जब इसमें ₹1800 के लेवल के आसपास आ जाएं, इस गिरावट में 1775-1800 तक जा सकता है। इसके देखिए ये सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिए हैं, तो यहाँ पे इसको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है जहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। तो इन लेवलों के आसपास आने पर ही स्टॉक में बाय पोजीशन बनाएं या फिर अपना वेट करें कि ये 1750-1800 के लेवल पर कहीं मिले तो ही हम इसमें बाय करेंगे। अभी फ़िलहाल हैं तो इसमें सेल करके चल सकते हैं, और अगर इसमें ट्रेंड का रिवर्सल कन्फर्म होगा ₹2300 के ऊपर जाने पर, तो अगर या तो ₹2300 के ऊपर जाए तो ही बाय करें या फिर 1700-1800 की रेंज में कहीं मिले तो ही बाय करेंगे। तो ये थे हमारे आज के पांच स्टॉक जिन पे हमने बताया कि चार्ट पे जिनमें डाउन ट्रेंड कन्फर्म है
अगर बाइंग करना है तो वेट करें, और स्टॉक है तो सेल भी कर सकते हैं, जिसके स्टॉप लॉस भी अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली रख लें 1:2 के रेशो के हिसाब से। तो मिलते हैं इसी टाइप की किसी अन्य वीडियो में कल, फिर नए स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट स्टॉक्स की। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। तब तक कीप सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग। एजुकेशन पर्पज़ के लिए है तथा कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें।